शराबबंदी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आपको याद होगा गोपालगंज का खजुरवनी का जहरीली शराब कांड, जहां जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त उत्पाद विभाग के स्पेशल कोर्ट ने 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी और 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और हालिया दिनों में जब सिमती समाज सुधार अभियान पर निकले थे, उस वक्त खुले मन से जो है गौरवान्वित महसूस करते हुए कहा था कि जो भी शराब बेचेगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। और फिर गोपालगंज के खजुरबनी का उदाहरण दिया कि यहाँ जो लोग शराब बेच रहे थे उनमें से 9 लोगों को फांसी की सजा हुई और 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा हुई है। अब इसको लेकर हाई कोर्ट ने उत्पाद विभाग जो स्पेशल कोर्ट है उसके आदेश को पलट दिया, उस आदेश को रद्द कर दिया। यानी जो 9 लोग थे उनको अब फांसी की सजा नहीं होगी और जो 4 महिलाएं हैं उनको उम्र कैद की सजा नहीं होगी। यानी सजा होगा लेकिन कम होगा। तो समझिए कि जहां शराब को लेकर के कई बार खबरें आती हैं कि कई बार सत्ताधारी पार्टी के नेता होते हैं जो शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं, शराब बेचते हुए पकड़े जाते हैं, और बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पुलिस वाले जो है उन तमाम प्रभावशाली लोगों को बचा लेती है, लेकिन जो गरीब आदमी होता है अगर वो शराब बेचता है या पीता है तो उसे सज़ा मिल जाती है। आपको याद होगा एक जेडीयू नेता के बारे में जिसके जहरीली शराब पीने से 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन बाद में उसकी तस्वीरें जो हैं वो सिमतीश के साथ वायरल हुई थी। उसके बाद इन दोनों घटनाओं की तुलना की जाने लगी और बाकायदा जो है काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। तो खजुरबन्नी का जो उदाहरण था जिसके बारे में बार बार सिमतीश कहते थे कि जो भी शराब बेचेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, और जिस वजह से 9 लोगों को फांसी की सजा हुई थी और 4 महिलाओं को जो है उम्र कैद की सजा हुई थी, हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है। हालांकि क्या कुछ सजा होगी इसको लेकर हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन जो उत्पाद विभाग का स्पेशल कोर्ट का जो फैसला था उसे हाई कोर्ट ने पलट दिया। जब उत्पाद विभाग के स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया था उस वक्त भी कई लोगों ने इसकी आलोचना की थी और कहा था कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। अगर वाकई में जहरीली शराब बेचना अपराध है तो फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, वो जो कह सकते हैं कि जाति देख करके या फिर उसके रुतबे को देख करके कि वो गरीब है या अमीर है, इसको लेकर फैसला नहीं होना चाहिए। तो शराबबंदी को लेकर भले ही सरकार लगातार आलोचनाएं झेल रही हों, लेकिन सीएमतीश साफ तौर पे कहते हैं कि न हम किसी को शराब पीने देंगे और न ही बेचने देंगे। तो गोपालगंज के खजुरबनी से जुड़ी एक बड़ी खबर है जहाँ पर उत्पाद विभाग के स्पेशल कोर्ट ने 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी और 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये सभी लोग जो है वो पासी समाज से आते हैं। तो हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि क्या कुछ सजा होगी इसको लेकर हाई कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं।